नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारीरिक परीक्षा में जो छूटे अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए एक मौका और दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप ऐसे विद्यार्थियों में से एक हो जिनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और यहाँ पर आपका शारीरिक परीक्षा नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, यदि आपके फ्रेंड या फिर कोई जान पहचान वाला भी है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और उसका यहाँ पर फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है, तो दोस्तों सभी के लिए यह जानकारी फैला दीजिए, क्योंकि दोस्तों सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट ही न्यूज़ पर, जहाँ पर यह कंफर्म किया गया है कि जो जिनका शारीरिक परीक्षा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, उनका अभी कब होनी है परीक्षा और कैसे होनी है। तो हम आपको ले चलते हैं आज की प्रमुख न्यूज़ पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर आई है, कहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, hindustan.com की न्यूज़ है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ यह न्यूज़ डालते हैं, कोई भी फर्जी न्यूज़ या नहीं डालते। दोस्तों देखिए, हेडलाइन में इन्हें लिखा है यूपी पुलिस भर्ती 2018। पुलिस भर्ती में शारीरिक परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों को एक मौका और दिया जाएगा, एक मौका और दिया जा रहा था। दोस्तों बिल्कुल डिटेल से हम इसको कर लेते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए इसमें लिखा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस PAC की सीधी भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हो पाई। उनके लिए देखिए, उनके लिए दो सेंटरों पर परीक्षा आयोजित हो, दो सेंटरों पर परीक्षा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आयोजित होगी, यानी दो सेंटरों पर यहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है जिनके विद्यार्थियों यहाँ पर रह गए हैं। कब की जाएगी दोस्तों? यह 6 जनवरी और 7 जनवरी को की जाएगी। कब? 6 जनवरी और 7 जनवरी को आज की जाएगी। दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों के लिए लखनऊ में 35वीं वाहिनी और मेरठ में जो होगा यहाँ पर, लखनऊ और एक शहर मेरठ में दोस्तों यह 6ठी वाहिनी PAC की में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि दोस्तों डेट रहेगी आपकी 6 और 7 जनवरी और शहर रहेंगे लखनऊ और मेरठ। यह दो शहरों में आप उन विद्यार्थियों के यहाँ पर फिजिकल होंगे जिन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हो पाई है। तो दोस्तों यदि आप में किसी का ऐसा हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और आपका फिजिकल नहीं हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर फिजिकल नहीं हो पाया उनका हो जाए और उनकी नौकरी लग जाए। दोस्तों आप बहुत बड़ा एहसान होगा उनका, यदि आपके द्वारा उनको कोई सूचना मिलती है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, जो जो केवल देख लेते हैं दोस्तों, जिन परीक्षा में जो प्रवेश पत्र डाउनलोड होने वाले हैं दोस्तों, यह परीक्षा के लिए आपको 4 जनवरी से बोर्ड की वेबसाइट पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कब? 4 जनवरी से बोर्ड की वेबसाइट पर आप यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और फिजिकल नहीं हो पाया है, वह विद्यार्थी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर 4 जनवरी 2019 को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों 7, 6 और 7 जनवरी को यहाँ पर फिजिकल होगा, 4 जनवरी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लखनऊ और मेरठ में यहाँ पर आपका फिजिकल आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।